वेल ये है द ग्रेट रेड स्पॉट। लेकिन क्या आप इसकी खास बात जानते हो? ये एक ऐसा तूफान है जो पिछले 400 सालों से जुपिटर पे चल रहा है। यहाँ की विंड स्पीड लगभग 16,000 किलोमीटर पर हावर है। अब आप कहोगे इससे हमारा क्या लेना देना? वेल लेना देना तो है, क्योंकि यार पूरा जुपिटर ही गैसेस से बना हुआ है। वेल यहाँ के साल के 4,333 डेज पूरा ही तूफान चलते रहता है, और इन्हीं तूफानों और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये आने वाले सभी बड़े बड़े एस्ट्रॉइड को अपनी तरफ खींच लेता है। और ऐसा ही एक बार May 17, 1994 में हुआ था। दरअसल शूमेकर 11-9 का एक कॉमेट धरती की तरफ आ रहा था। ये कॉमेट इतना बड़ा था कि डायनासोर्स भी शर्मा जाए। वेल इसका साइज लगभग 1.1 मिलियन किलोमीटर जितना था, और जिस एस्ट्रॉइड से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे उसका साइज लगभग 81 किलोमीटर था। वेल हमारी इंसानों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो कॉमेट जुपिटर के पास से गुजर रहा था। वेल जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स के वजह से वो जुपिटर में समा गया, और जुपिटर पे ये जो ब्राउन डॉट्स है ये वही कॉमेट्स है।